हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बुगाटी के ओनर एटोर बुगाटी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 15 सितंबर 1881 इटली में हुआ था। दोस्तों, वैसे तो इनकी फैमिली के सदस्य ज़्यादातर आर्टिस्ट थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई मॉलशेम में। और दोस्तों, उस ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम उन्होंने अपने सरनेम पर रखा, जो कि बुगाटी है। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने तीन कार्स रिलीज़ की, जो कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूज़ होने वाली कार की जैसी ही दिखती थी, और उसका नाम उन्होंने टाइप 13 रखा। इन कार्स की जो खासियत थी वो ये थी कि दोस्तों, वो चार शेफ्ट की थी और 1368 का सीसी के उसमें इंजन यूज़ थे, और इसके बावजूद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइट वेट हुआ करती थी। और यहाँ तक कि उसकी चेसिस भी 2000 mm की थी। कुछ ही टाइम बाद बुगाटी की कार्स रेसिंग में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और ग्रैंड पिक्स में भी उनकी कार्स यूज़ की जाने लगी। और ज़्यादातर जो बुगाटी की कार्स यूज़ किया करते थे प्लेयर्स, वो जीत जाया करते थे। फिर दोस्तों, 1930s में उन्होंने रेसिंग प्लेन्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए। जो उनका मकसद था रेसिंग प्लेन बनाने के पीछे, वो ये था कि वो जर्मन सेना से जीत सके अपने तेज रेसिंग प्लेन बनाकर, और उसका नाम उन्होंने बुगाटी 100P रखा। उस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी स्टीम इंजन यूज़ किए जाते थे ट्रेन्स में, इसलिए 1933 में उन्होंने अपनी रेल कार्स भी बनाना स्टार्ट कर दी। और दोस्तों, उनकी रेल कार्स बहुत चलने लगी, क्योंकि वो ज़्यादा साफ़, हल्की और तेज़ हुआ करती थी। इसके साथ साथ वो कंफर्टेबल भी हुआ करती थी। धीरे धीरे मार्केट में इन रेल कार्स की डिमांड बढ़ने लगी, जिस वजह से बुगाटी का बिज़नेस रेल कार्स में भी काफ़ी अच्छा हो गया। फिर 1939 में उनके सबसे बड़े बेटे जीन बुगाटी की डेथ हो गई। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई, और उनके शहर में बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई, जिस वजह से उनका प्रॉफिट और कम हो गया। उसके कुछ ही टाइम बाद 21 अगस्त 1947 को एटोर बुगाटी की भी डेथ हो गई, जिस वजह से हालात और ख़राब हो गए और बुगाटी कंपनी का दायरा नीचे चला गया। फिर 1950 में वर्कर्स ने बुगाटी को दोबारा मार्केट में लाने की कोशिश की और कुछ नई कार्स रिलीज़ की, और उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ वो कार्स और एयरप्लेन के इंजन ही बनाया करेंगे। फिर जब रोमेंजो आर्टियरी ने बुगाटी कंपनी को ख़रीद लिया, उसके बाद जो उन्होंने पहली कार बनाई उसका नाम बुगाटी EB110 GT था, जिसमें 5-valve सिलेंडर V12 इंजन और 6-speed गेयरबॉक्स था। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बुगाटी की सेल्स दोबारा बढ़ गई। दोस्तों, उसके बाद वॉल्सवैगन आई और उन्होंने 1998 में बुगाटी कंपनी को ख़रीद लिया। उसके बाद जो उन्होंने बुगाटी EB118 निकाली, उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्स हुई, और उसी के बाद उन्होंने बुगाटी वेरॉन निकाली, जिसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और दोस्तों, आज तक बुगाटी स्पोर्ट्स कार और हाई परफॉर्मेंस कार बनाती आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।